अस्सलाम वालेकुम मारका, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? तुसा दे पे मेरा यूट्यूब चैनल मैं गुलजार प्यारा लाला हाल है किवे? तबीयत सेहत अपनी किवे? पढ़ाई वांदी पई है? ते मारका ने है ते साडे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किता करना, सब्सक्राइब ते अगे शुरू है मजेदार वीडियो। आय हाय क्या मजा ठोको, मैं पिछली वीडियो दसा है ना कि आज मजेदार माहौल बनदा पिया, देख ना आज बड़ा मजेदार ते बड़ा वीआईपी माहौल बनना है। मारका सेटिंग सारी सिंधियां दी है ठीक है ने? दसा मैं ते पे अपनी क्लासा दे कोई कोई क्लास पढ़ गनु ते बाद इंशाल्लाह थोन नाल मिलदे रास जिवें फंक्शन शुरू थिंदा है ना, ते बहुत मजेदार वीआईपी माहौल थों दिखाए सो। मारका क्लास अपड़ गए ते आय हाय हाय सुभान अल्लाह, मौली साहब साडे नाल आया बैठा। मौली साहब लग चुके हैं, फिटिंग वगैरह थी चुकी है। असा मैं पे थोड़ी क्लास पढ़न, सारा उस्ताद आया बैठे साइड से, अस अपनी क्लास पढ़ के इंशाल्लाह। मारका आवाम खेती आती है ते जे सारा जेड़ा को तकरीब वगैरह फंक्शन ये स्टार्ट थी चुका है। बीएस वाले दे खुश आमदीद आते पैन ते अंदर इंटर थे पैन। मारका बस है दू चार मिनट बाहर खड़ोते हैं ते सही बस जुलते पाए अंदर, तशरीफ का टोकरा गिद्दी वैने अंदर वैने हैं ते थोक मजेदार है माहौल लिखाने हैं जेका के आते हैं सानू उस्ताद ते सब को उम्मीद काफ़ी है भाई आज जी तकरीब थी पई है ना, अगले दू दिहाड़े छुट्टी हो सी तू अगे सारा लियो शरा थी एक दिहाड़े तकरीब होंगी है कोई महफिल वगैरह होंगी तो प्रिंसिपल साहब आते मुबारक हो अगले दू दिहाड़े छुट्टियां हैं। मारका आवाम कट्ठी थी आँदी है ये थाई 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 खलोवे तो कौके रिपोर्ट लाला हमारा इतने फंक्शन सारा सारा थिंदा भी है। आज दी बड़ी मजेदार वीडियो है, अगर तुम हाल तेरे चैनल ते नवे वे तो सब्सक्राइब कर के नोई मजे नाल आने वाले अजीज असासा को हम पल पल दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। प्रोफेसर सलाव मान सब में ज्वाइन कर चुके बीएस का चौथा साल है, 2019 में हमने पहले पहले बीएस शुरू करवाया था और यकीन करें कि हमें नहीं लगता था कि हमारे यहाँ जो वसैल बुखारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ नसीम अहमद खान शाही साहब का, प्रोफेसर दिलदार अहमद खान साहब का, तमाम असातिज़ा इकराम का कि मुझे एक मरतबा फिर एक खूबसूरत तकरीब में बुलाया। मैं जब भी यहाँ आता हूँ पहले से ज़्यादा इज्जत दी जाती है, पहले से ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। मैं पिछली तकरीब में भी यहाँ पे ये कह चुका कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन जितनी इज्जत दी जाती है मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। गुजारे सिर्फ इतनी है कि आपने नसीम अदर शानी साहब की गुफ्तगू सुनी, उनके एक एक लफ्ज में आपको इदारे का दर्द, इदारे से मोहब्बत नजर आई होगी। जब आदमी गुफ्तगू कर रहा होता है तो उसके जज्बात उससे नजर आ रहे होते हैं, जाहिर हो रहे होते हैं। जिस खलूस और दयानत से, दयानत पे मेरा खसूसी जोर है, उन्होंने इस इदारे की खिदमत की है कम होता है ऐसा। मैं ये तो नहीं कहता कि वो आखिरी शख्स हैं और उनके बाद कोई ऐसा नहीं आएगा, लेकिन ऐसे लोग काम होते हैं और हम अफसोस ये है कि हम ऐसे लोगों का ये तकरीब वगैरह ख़त्म की चुकी है, सारे मेरे घर वाले पास है भाई एक काले मारका बकाले वाले मैंने घर वाले पास है टाइम थी था पी एस टाइम कितना एक था छुट्टी थी कि 12 बजे से थोड़ा जहा कम गया रहा है। वाह चाचा मशीन वाला वाह वाह बिस्मिल्लाह यात्रियों में डरिया